हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे प्रिंस जो है वो डार्क प्रिंस में ट्रांसफॉर्म हो चुका है एंड ही हैज़ बीन इन्फेक्टेड बाय द साइंस ऑफ टाइम। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि आगे प्रिंस की जर्नी में और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं एंड हाउ द डार्क प्रिंस इज गोइंग टू अफेक्ट हिज जर्नी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो हम लोग अब सीवर्स के बाहर हैं, तो वी आर आउट ऑफ द पैलेस ऑल्सो। हम पैलेस के भी बाहर आ चुके हैं। This some, I think maybe some back door or something. Traps हर जगह हैं, तो हाँ डेफिनेटली दिस इज ये हमारी चिड़ी गैंग। काफ़ी देर से मिस कर रहा था मैं इनको। काफ़ी कूल किल था यार ये तो। और मेरे पास अभी सोर्ड नहीं है तो मुझे सिर्फ ये डैगर से मारना पड़ेगा। And of course, you guys know the power of this dagger. We can turn back time. When the prince was struck by the sands of time, something was woken within. Something strange and cunning. Something dark. Exactly. The 7 years spent on the run had embittered the prince and made him hard. This burden sustained his other half, gave it strength. The prince was tempted to do as it said, for it was a light in the darkness, offering comfort and guidance to a man who had just lost everything. But what were its intentions? Why did it help him? Only time would tell. Exactly, so time will only tell ki kya kya hua hai iske sath and why are these things happening with him. But right now, I need to jump here. एंड मुझे फिर से वो एरोज़ की आवाज़ सुनाई दे रही है। बट चलो एटलीस्ट एक चीज़ अच्छा है कि नाउ वी आर आउटडोर्स, तो क्योंकि मैं तब से हम लोग कैसल के अंदर थे। और ओके एक तरह का आई होप हाँ चलो पहुँच गए हम लोग। हमारा फर्स्ट चेक पॉइंट हमेशा की तरह बिल्कुल जल्दी आता हुआ। एंड अब देखते हैं कि आगे क्या है हमारे लिए। बिल्कुल यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर, नो वरीज। कुछ तो दिखा, तो हमें जाना वहां पर है बेबीलोन। ये इज अ चाइल्ड फादर वुड टेल मी स्टोरीज। पे अटेंशन, समथिंग इज हैपनिंग डाउन देयर। ये कुछ एक लाइक अपग्रेडेड वर्जन लग रहा है इसकी आर्मी का। ये कुछ ओ इट्स द वजीर। इज दैट इट्स द वजीर। ही हैज बीन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। इंटरेस्टिंग, ही हैज यूज्ड द पावर ऑफ द सैंड्स टू ट्रांसफॉर्म हिज आर्मी एंड दीस आर्टिफैक्ट्स विल अलाउ हिम टू ट्रांसपोर्ट देम अक्रॉस द सिटी विद ईज। ही अपीयर्स टू बी इन कंप्लीट कंट्रोल। थिंग्स डू नॉट लुक टू गुड फॉर यू एट द मोमेंट। आई विल नॉट लेट द वजीर हैव बेबीलोन। My city, my throne. He has used that beam as a gate. We will follow him through it. So basically, he says that अगर मैं sand gate के guard को kill कर दूँगा, then I can stop him from. Oh nice, I can still stop him. Shit, but उसने उसके अंदर dagger डाल दिया। I don't know what this does. मतलब I think he'll be able to call more people. हाँ exactly, more reinforcement. I need a sword ASAP. कुछ तो मिल जाए यार, ऐसे नहीं मार पाऊंगा मैं इनको। इट माइट बी पॉसिबल दैट क्योंकि वजीर जो है लाइक सिंस ही इज इन मॉर्टल नाउ, तो ही मस्ट हैव गिवन मोर पावर टू हिज आर्मी। क्योंकि हमें ऑब्वियसली दीज बीस्ट लुक मच मोर पावरफुल देन जो पहले हम लोग को मिलते थे। सी इनका डिफेंस भी है, लाइक पहले दे वुड डिड नॉट डिफेंड, बट अब ये डिफेंड भी कर रहे हैं प्रॉपरली। और
मेरी सोर्ड वापस ख़त्म हो गई और ये लोग मुझे मार डालेंगे मुझे लग रहा है। ये ख़त्म नहीं हो रहे भाई, क्या हो गया इसको? आई नीड अ सोर्ड। हाँ भाई ख़त्म हुआ, अब तो आना बंद हो जाओ। और भी कुछ है क्या इसके अंदर आने का? हाँ ये बंद हो गया। You have earned a new sand tank. What is a sand tank? What's happening? Well, that certainly went according to plan, did it not? You really should know by now that entering portals made of sand only leads to trouble. I will simply have to resort to a more traditional form of transport. Hopefully with greater success. Separate them into two parts. Whoa, this is so cool. The strong must go to the palace and arena for change. So I earned a new sand tank, मतलब मुझे एक extra what do you say, an extra tank मिला, because if you see ऊपर में अब मेरे पास चार sand के tanks दिख रहे हैं मुझे, पहले तीन था सिर्फ। That gives extra power for reverting time, तो ये अच्छा है। Nice. And certainly, I mean ये army इनकी ज़्यादा powerful हो चुकी है, I can definitely see that, because पहले इतना effort लगता ही नहीं था मुझे मारने में किसी को भी। चिड़ी गैंग, ऊपर कैसे जाऊं मैं? कोई तो रास्ता होगा। हाँ यहाँ पर है ना रास्ता, ये हमारा रिंग। हमें ऊपर जाना है गैस। यस ओहो, यहाँ पे मिस्टर बफेलो मैन भी है। उधर घूमना है यार, एक क्विक किल तो करने दे। वेरी नाइस, इसको भी क्विक किल कर देता हूँ जल्दी से। पीछे मत मुड़ना, पीछे मत मुड़ ना ना ना, नो पलट, नो पलट, डोंट पलट। 1 2 3 ओ शिट, पलट गया यार ये तो। पहली बार मैं चाहता था कि कोई ना पलटे, अदरवाइज ओके नाइस। तो मस्त करता है यार ये बंदा, इसका क्या करूँ मैं? दिस इज सम काइंड ऑफ अ लेवर, ओके यस इट इज। नाइस 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 नाइस, ओह मेरा सैंड्स ऑफ टाइम काम आ गया। नाइस, बढ़िया। ओह डार्क प्रिंस इज बैक, वेलकम बैक डार्क प्रिंस। अब तो तुम हमारे अंदर ही हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब आओ। अब बस ये तो एलिमेंट्स बिल्कुल उसके तरफ से अरेंज्ड है, मतलब ये सब एलिमेंट्स ऐसे नहीं रहते, बट क्योंकि डार्क प्रिंस आ रहे हैं हमारे तो एलिमेंट्स भी उसके हिसाब से आ जाते हैं गेम में। वेरी नाइस वेरी नाइस। इसमें क्विक किल होता है क्या? आई थिंक सो। बड़े सा मज़ा नहीं आया यार इतना, इट्स लाइक ही वॉज लाइक जस्ट। अब जाऊँ कैसे यहाँ मैं, जाऊँ कहाँ? जाओ भी तो जाओ कहाँ, नीचे जगह है क्या? नहीं आई थिंक आई फॉल डाउन अगर ऐसे गया तो। यहाँ से शायद जाना पड़ेगा। अच्छा हाँ राइट,
थोड़ा सा अर्ली जंप, बैड टाइमिंग. ओके, बट ये भी बात है कि मैं जितना लेट करूँगा मेरी लाइफ उतनी कम होती जाएगी. यहाँ पर मुझे लग रहा है बहुत सुपर कूल एक किल होने वाला है. वो सही है यार, ये डार्क प्रिंस मस्त बंदा है. आ जाओ पंछी, ये मर भी वो जल्दी रहे हैं यार, ये अच्छी बात है. गेट बंद है तो मुझे यहाँ पे मारना पड़ेगा इनको. आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार, कितना जल्दी मर गया ये. ये डार्क प्रिंस मस्त है यार फिर तो. Sound team is composed of Alice Bernier, lead sound designer, Annalise Steidem, sound designer, Olivier Gerard, Simon LeDuc, and Dave Blake, sound integrators, Robin LaForchon, sound programmer, and the soundtrack for Aggressive Negasonic. Ubisoft के developers का नाम लिया जा रहा है बड़े proudly, बिल्कुल अच्छी बात है. We should thank the developers for developing this nice game. और हमारा गेट खुल गया है तो let's go and check out. तो इस पैलेस से तो हम बाहर निकलेंगे एटलीस्ट, हमें इतना मालूम है. बट ये हमारे बफेलो आर्मी को हम लोग पहले निपटाते हैं यहाँ पर. प्रिंस को थोड़ा सा सैंड्स का पावर भी मिल जाएगा इन्हें मारते मारते. इजी पीजी, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओहो, यस, हम लोग घोड़ सवारी करेंगे अब. और ओके, पानी आ गया. पानी के साथ हमारे प्रिंस वापस अपनी नॉर्मल बोरिंग लाइफ में एंट्री करते हुए. नाइस. और अब हम लोग करने वाले हैं घुड़सवारी. Are you sure you can control this thing? चलो. नाइस. Let us hope. If I crash, it is the end for both of us. The prince. प्रिंस के लाइफ में एक और प्रिंसेस, नॉट श्योर, देखते हैं. बट एंड सो वंस मोर द प्रिंस बिगन द जर्नी होम, हिज माइंड ऑफ फायर विद विजन. ओह शिट, इसको कंट्रोल कैसे करना है, नॉट श्योर. ओके, ओह दिस इज डिफिकल्ट. जितना इजी दिख, अरे इसको मैं मारूं कैसे. ओह फक, ओके दिस इज डिफिकल्ट. इसमें भी सैंड्स ऑफ टाइम चलता होगा ना. टर्न राइट, ये अरे इसमें लोग भी आएंगे क्या मेरे पास. ओह शिट यार, ये कैसे कंट्रोल करूँ. ओह डैम, अच्छा लेफ्ट, अच्छा ऐसे डार्क फ्रेंड्स. ओह लुक एट दैट, डार्क फ्रेंड्स एकदम मस्त उसको बता रहे कहाँ पे जाना है. ऑब्वियसली आई एम डूइंग वेल. यार तुम लोग जाओ यार अभी, शिट आर जल्दी से यार. बीच में बेचारा डिवाइडर आ गया. Shit, I'm not going to take this route. बहुत डिफिकल्ट है, मुझे लेफ्ट ले लेना चाहिए. हाँ ये सही है, ऊपर से पता नहीं कहाँ जाता मैं. अबे यार ये बहुत डिफिकल्ट है यार. आई डोंट थिंक मेरे पास अब ज़्यादा चांसेस बचेंगे इसके बाद. ये लास्ट है, इसके बाद बस एक है मेरे पास. घूम जा. हाँ शिट शिट शिट, जंगल में चला गया मैं. That was close. That was really close. Behind that column. Oh, इसको मैं, अबे आगे इसको देखो. We made it. Hold your horses. Whoa. Come on. सही सही जवाब. Perfect. मजा आ गया यार ये तो. Save point please. आ गया अपना प्रिंस घोड़े में. Its inhabitants either dead or fled. Sands kya mast chamak raha hai uske haath mein jo tattoo bani hui hai. Terribly captured, tortured and transformed. Oh nice. But the prince did not notice this. So focused was he on the vizier. Ya save point ya koi checkpoint jaldi le aao, because itni mehnat wapas karna bahut mushkil hoga. Theek hai, I think yahan pe zyada kuch mere paas चैलेंजेस नहीं होगा. जो मेन चैलेंज था वो तो पार हो गया यार. काफ़ी अच्छा बिल्डअप हो रहा है गेम, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है इसमें अब.
I'm impressed. Oh, good. Your opinion means a great deal to me. Say what? Is that how you thank the man who just saved your life? First, you did not save my life. I did. Second, you are not a man. Just a disembodied voice. A ghost. And third, I never asked for your help. And I certainly do not need Prince is definitely pissed off. While I admire your bravado, you would be wise to show some respect. And you would be wise to keep quiet. You are distracting me and we are no longer alone. Yes, I would like to save it here and I would like to stop here as well for this video. Oh, so this was quite fun. I mean, in fact, wo ghod sawari wala part to mera favorite tha. तो काफ़ी मज़ा आया. विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई थिंक आप लोग को भी काफ़ी मज़ा आया होगा ये देखने में. सो या गाइस, डू लाइक दिस वीडियो एंड पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स. आपको कैसा लगा, कौन सा पार्ट आपका फेवरेट था एंड एनीथिंग विच आई शुड इम्प्रूव इन माई वीडियोज़. एंड डू सब्सक्राइब इफ़ यू हैवन डन इट टिल नाउ, बिकॉज आई विल बी कमिंग अप विद न्यू गेमिंग वीडियोज़ एवरी वीक. दैट्स व्हाट आई विल ट्राई. बट येस, आई मीन योर सपोर्ट मीन्स अ बिग डील फॉर मी. So yeah guys, that was all. Good night and take care.